हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देखने वाले हैं क्लॉक टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में आपने घड़ी के कोणों से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में आते हैं जिन्हें बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि घड़ी के कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, जैसे 0 डिग्री का बनना, 90 डिग्री का बनना, 180 डिग्री का बनना, ये पूरे दिन भर में कितनी बार बनते हैं और किस समय बनते हैं, टाइम याद करने के कुछ चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही इजी मेथड आपको मैं सिखाऊंगा जिससे कि आप उनके टाइम वगैरह ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि उन क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कतें आती हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन की अवस्था में आएंगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे होंगे, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती होंगी यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगस्त के महीने में घड़ी की सुइयां कितनी बार सरल कोण कहते हैं 180 डिग्री को, वो बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, घड़ी की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार समकोण की अवस्था में आती हैं, समकोण 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय अतिव्यापन की अवस्था में होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिछले दिनों से आपसे खूब सारे पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें हम फॉर्मूले नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी तरकीब सिखाऊंगा जिससे कि आप इनको बगैर गुणा उणा भाग करे ही बहुत इसी तरीके से फाइंड कर पाएं समझ से ही। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं कि किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ नज़र आएंगी आपको, 6 बजे से 7 बजे के बीच में, कुछ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे इसी प्रकार के जो आपको समय ज्ञात करने से रिलेटेड होते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से कर पाएं ये प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और जो क्वेश्चन आपको अभी नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर उन क्वेश्चंस को आप 3 से 4 सेकंड में कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और आपने बहुत उल्टे सीधे मेथड देखे होंगे, आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताऊँगा जिससे कि आप केवल समझ से ही ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर लगा पाए। तो चलिए बात करते हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। जो भी क्वेश्चंस आपने स्क्रीन पे देखे उन सभी क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं। और छोटी छोटी बातों से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले आपके पास 3 तरह की स्थितियां बनेंगी एग्जाम के अंदर। 3 स्थितियां क्या क्या बनेंगी, पहले मैं बात करता हूं कि एक घड़ी हुआ आपके पास, ये मैंने घड़ी बना दी है, ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर 12 डायल्स होते हैं, ये मैंने डिनोट कर दिया उसे। मिनट और घंटे वाली सुई, यदि मान लो इस प्रकार से हूं, 12 बजे आप ऐसी स्थिति को जानते हैं, ये 0 डिग्री का कोण का बनना है आपसे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 0 डिग्री, 360 डिग्री, यह आपसे कहता है अतिव्यापन, इस अवस्था के नाम है ये, इन सभी को आप ढंग से याद कर लें। आच्छादन अलग अलग नामों के साथ हो सकता है, इंग्लिश में ओवरलैपिंग, एक ही दिशा में आ जाना, मिनिमम दूरी होना, एक दूसरे को ढक लेना, इस प्रकार के वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। या आप ये कह सकते हैं संपाती अवस्था में आना, संपाती भी इसे ही कहते हैं, घड़ी की सुइयों का संपाती हो जाना। ये इसके कुछ नाम आपके पास होते हैं। जो 12 बजे लोग स्थिति को जानते हैं उसके ये नाम होते हैं, 0 डिग्री का कौन बनना, 360 डिग्री का बनना। अब आपसे कोई ये कहे कि 1 घंटे में ये स्थिति कितनी बार घटित होती है, तो आप ये कहेंगे कि 1 घंटे में अतिव्यापन जो होता है वो 1 बार होता है।
अति व्यापन आपसे कोई ये पूछे कितनी बार होता है, तो आप ये कहेंगे कि एक बार होता है, एक घंटे में एक बार होता है, ये एक आइडिया है। आपसे कोई ये पूछे कि 12 घंटे में ये कितनी बार होता है, तो 12 घंटे में ये जो अति व्यापन होता है वो केवल 11 बार ही होता है। अब ये 11 बार क्यों होता है ये भी बात करेंगे कि 12 घंटे में कोई आपसे पूछे तो हर घंटे में एक बार होना चाहिए था, लेकिन हुआ ये 11 ही बार, तो एक जगह कहीं ना कहीं नहीं होता होगा। तो कहाँ नहीं होता है, 12 बजे से 1 बजे के दौरान ये नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है। कोई भी आपसे ये पूछे कि ये कहाँ नहीं होता है, तो जहाँ आप इसे जानते हैं ये प्रॉपर कंडीशन है, यहाँ पे जानते हैं। अतिव्यापन तो और भी जगह होता है, लेकिन 12 बजे सभी लोग जानते हैं कि 12 बजे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे को ढक लेती हैं या अतिव्यापन अवस्था में आ जाती हैं। इस कंडीशन को सभी जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं, ऐसा आप दिखाएंगे उसको। 12 घंटे में अतिव्यापन 11 ही बार होता है। कोई आपसे ये पूछे कि ये कहाँ नहीं होता है, तो आप ये कहेंगे 12 बजे से 1 बजे के दौरान ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये मिनट वाली सुई इसके आगे चली जाएगी। जब 1 बजेगा तो 1 बजे ये सुई 1 पे आ जाएगी और ये 12 पे आ जाएगी। पूरे 1 घंटे के दौरान ये कभी भी इसके ऊपर से नहीं जाएगी। 12 बजने के बाद में ये आगे निकल जाएगी मिनट वाली सुई, और 1 बजने तक ये इसके ऊपर नहीं आएगी। जहां आप प्रॉपर जानते हैं उसके आगे उसका अपवाद होता है, यानी कि 12 बजे आप जानते हैं तो 12 बजे से अगले वाले घंटे में ये अपवाद स्वरूप कम मिलता है। तो बाकी सभी में एक एक बार होता है, सभी जगह एक एक बार सुइयां होती हैं। ये 12 बजे वाला होता है वो 11 से 12 वाला होता है। 11 बजे के बाद ठीक 12 बजे ही घड़ी की सुइयां अतिव्यापन में आती हैं, तो इसलिए 11 बार ही होता है। कोई आपसे पूछे कहाँ नहीं होता है, तो आप कहेंगे 12 से 1 नहीं होता है। कोई ये भी पूछे कि 11 बजे से 1 बजे के दौरान कितनी बार अतिव्यापन होता है, तो आप कहेंगे एक ही बार होता है ठीक 12 बजे। इसका तो टाइम भी जानते हैं आप, आगे भी होंगे, जैसे यहाँ पर भी एक बार होगा, 1 से 2 के बीच होगा जब ये सुई इसके ऊपर आएगी, 1:05 के करीब फिर से होगा, तो 1 बजे तक नहीं होगा, 1 से 2 के बीच होगा 1:05 पर। तो आपसे कोई भी पूछे कि 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है, तो आप कहेंगे 11 बार होता है। प्रत्येक घंटे में एक एक बार ये होता रहता है, सिर्फ 1 घंटे में नहीं होता, वो 12 से 1 नहीं होता। फिर आपसे कोई ये पूछे कि 24 घंटे में ये अतिव्यापन होता है, वो 22 बार होता है। 24 घंटे की ड्यूरेशन को एक दिन कॉल किया जाता है। यूनिवर्सल वैल्यू होती है डे की, वो होती है 24 घंटे। कोई भी आपसे कहे कि एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कितनी बार ढकती हैं या कितनी बार अतिव्यापन करती हैं, तो आप ये कहेंगे 22 बार करती हैं। एक दिन की जो लिमिट बताएंगे आप आवर्स के हिसाब से, वो 24 घंटे की काउंट करके बताएंगे, तो ये 22 बार होता है। अब तो आप कितनी बार आइडिया लगा लीजिए, कोई कह रहा हो कि 36 घंटे में कितनी बार, ऐसे कोई कहे कि 36 घंटे में कितनी बार, तो भी आप बता सकते हैं कि 36 घंटे में कितनी बार। तो 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 12 × 36, तो 11 × 33, तो 36 में 33 होगा, 48 घंटे में 44 बार होगा, 60 घंटे में 55 बार होगा, 72 घंटों में 66 बार होगा। समझ पा रहे होंगे, इधर 12 का पाड़ा चल रहा है, उधर 11 का पाड़ा चल रहा है, क्योंकि घड़ी में डायल 12 ही होते हैं। जैसे जैसे चक्कर काटेंगे, एक बार एक दिन में पूरा हुआ, 12 बार 11 बार हुआ, फिर दूसरे चक्कर में 22 बार हो गया, तो पूरे दिन भर के 12 घंटों के अंदर आप एक बार 11 याद कर लें, फिर 24 घंटे में 22 हो जाएगा, 36 घंटे में हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी, और ये ध्यान रखें ये कहाँ नहीं होता है। दूसरी बात इसे समय ज्ञात करने की है, वो आगे सीखने वाले हैं। अभी आप ये गिनेंगे कि ये कितनी बार होता है और किस समय होता है, ये आगे ज्ञात करने वाले हैं। तो अतिव्यापन के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। अब बात करते हैं कि 180 डिग्री का कोण, यानी कि विपरीत की अवस्था में, ये तो एक ही ओर थी, एक ही दिशा में हो जाना, यानी संपाति, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग हो जाना। तो बात करते हैं आप दूसरे वाली कंडीशन की, कि आपके पास यदि ये कह रहा हो कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, सरल कोण कितनी बार बनता है,
ऐसे कोई आपसे कह रहा होता। चलिए घड़ी बनाते हैं। ये घड़ी बनाई, सरल कोण किसे कहते हैं? 6 बजे जो लोग जानते हैं इस प्रकार से सुइयों का आ जाना, ये जो कोण हो गया वो सरल कोण हो गया। यहाँ 180 डिग्री का कोण बन गया, तो 180 डिग्री वाली कंडीशन को कहते हैं सरल कोण। ऐसे दिन भर में कितनी बार विपरीत कब जाती है सुई? हर बार जाती होगी। मान लो कि 8 बज रहे होंगे तो 8 बजे के बाद भी इधर ऐसे सीधी होगी, 9 बज रहे होंगे तभी भी सीधी होंगी, कभी ना कभी हर बार हर घंटे में सीधी होती रहती होंगी। इसको कहते क्या है ये सीख लेते हैं। 180 डिग्री का बनना कह सकते हैं, 180 डिग्री का बनना, सरल रेखा, सरल कोण का बनना या सरल रेखा में आना, सीधी रेखा में आ जाना, एक सीध में आ जाना। विपरीत की अवस्था भी कह सकते हैं, विपरीत सुइयों का विपरीत अवस्था में होना कि कितनी बार विपरीत होती हैं एक दूसरे के, अलग अलग दिशाओं में विपरीत। ऋजु कोण का बनना, ऋजु कोण का बनना, ऋजु कोण भी 180 डिग्री के कोण को ही ऋजु कोण भी कॉल करते हैं। तो ये अवस्थाएं कितनी बार होती हैं दिन भर में? हर घंटे में एक एक बार होती हैं। तो आपसे ये पूछिए कि एक घंटे में कितनी बार होती है ये, तो आप ये कहेंगे एक घंटे में एक बार होती है ये अवस्था। फिर कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि ये जो अवस्था होती है वो 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो आप ये कहेंगे कि 12 घंटे में ये 11 बार ही होती है। सेम पिछले वाली अवस्था जितनी है, जैसा अतिव्यापन आपने सीखा, सेम टू सेम अतिव्यापन जितनी ही बार ये घटना घटित होती है वो आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ भी वो प्रश्न उठता है कि ये 11 बार ही क्यों हुआ, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, एक घंटे में लगभग एक बार होता है, तो फिर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था कहाँ नहीं होता है? ये आप ध्यान रखिएगा। 6 बजे से 7 बजे के दौरान घड़ी की सुइयाँ विपरीत अवस्था में नहीं आती हैं, सरल कोण नहीं बनाती हैं 6 से 7, या यूँ कह सकते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घड़ी की सुइयाँ होती हैं केवल एक बार ही सरल कोण बनाती हैं। 5 से 7 2 घंटों के अंदर केवल एक ही बार सरल कोण बनाती हैं, और वो ठीक 6 बजे बनाती है। तो 6 बजे इन 2 घंटों में एक बार ही होता है, तो यहाँ एक ही बार होता है इन 2 घंटों में, बाकी सभी घंटों में विपरीत आती हैं, हर जगह एक एक बार आती हैं, हर जगह एक एक बार आती हैं, इसलिए ये 11 बार होता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि सरल कोण कब नहीं बनता, तो आप कहेंगे 6 से 7 नहीं बनता, 6 बजे जो बनता है वो 5 से 6 के टाइम का बनता है। 5 बजे बाद कब सीधी रेखा में आती हैं, तो आप कहेंगे 6 बजे आती हैं, बाकी का समय ज्ञात करेंगे। अभी काउंटिंग चल रही है कि ये कितनी बार होते हैं। अब आपसे कोई ये पूछे एक दिन में कितनी बार, 24 घंटे एक दिन की वैल्यू बताएंगे, तो 24 घंटे में 22 बार ये घटना घटित होती है। समझ पाए होंगे, पिछला और ये सेम ही था, लेकिन याद रखिएगा ये 6 से 7 कम होता है, वो 1 से 12 से 1 कम होता है। जहाँ ये आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, जैसे अतिव्यापन को आपने 12 बजे जाना था, तो वो 12 से 1 बजे के दौरान नहीं होता, जहाँ उसको लोग प्रॉपर जानते हैं। बाकी तो सभी जगह होता है, लेकिन इसको तो सभी जानते हैं कि 12 बजे वो एक ही दिशा में आती हैं या 0 डिग्री बनाती हैं, तो कहाँ नहीं बनाती हैं, 12 से 1 नहीं बनाती हैं। और इसमें भी 6 बजे तो लोग सभी जानते होंगे कि सीधी रेखा में आती है, आप भी खूब बार देखे होंगे छोटे से बचपन से लेकर अभी तक, रोज घड़ी को देखते हैं तो 6 बजे विपरीत आती हैं, आने को तो हर समय ही आती हैं, बस एक ही जगह नहीं आती हैं, 6 से 7 वाली ड्यूरेशन में नहीं आती हैं, बाकी हर बार ये विपरीत पर आती हैं। चलिए, तो अब आपसे कहीं भी पूछे कि 36 घंटों में कितनी बार, तो अब तो कैसे भी बक सकते हैं, 12 एक बेस है, 12 का याद रखें, फिर आगे के आप आराम से बता सकते हैं। 33 बार समय ज्ञात करना सीखेंगे आगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे समय कैसे बताएंगे। कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि यार 3 से 4 बजे ये कब आती हैं, तो 3 से 4 बजे आती तो होंगी, लेकिन आपको टाइम पता नहीं है कि कब आती हैं, लगभग ही आप बता सकते हैं, एक्यूरेट टाइम निकालेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अभी स्थिति नोट कर रहे हैं, चलिए अगली स्थिति मैं आपको दिखा दूं।
कि अगली स्थिति क्या है, 90 डिग्री का बनना। ये तीन स्थितियां आपको अच्छे से याद रखनी है कि 90 डिग्री का कोण, नब्बे डिग्री वाली स्थिति क्या होती है। अब 90 डिग्री वाली स्थिति आपको दो जगह दिखती है, ये मैंने घड़ी बना दी, नब्बे डिग्री आप एक तो 3 बजे देखते होंगे और एक 9 बजे देखते हैं। 3 बजे घड़ी की सुइयां हैं, वो समकोण अवस्था में आती हैं और एक 9 बजे आती हैं। दो बार तो आप पक्का जानते हैं, सभी जानते हैं कि घड़ी की सुइयां होती हैं वो 3 बजे और 9 बजे, जो उनका कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 30-30 डिग्री के ये कोण होते हैं, तो आप समझ गए होंगे ये 90 डिग्री बन रहा है। चलिए तो अब ये सीखते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनना, परीक्षा में कह देता है 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, समकोण कहते हैं 90 डिग्री को, घड़ी की सुइयां समकोण कितनी बार बनाती हैं ऐसे कह देता है, या लंबवत अवस्था में आना, ज्योमेट्री में लंबवत भी कह सकते हैं इसे, कि लंबवत अवस्था में घड़ी की सुइयां कब कब आती हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लंबवत अवस्था में आना ये सीखते हैं। आप दो जगह जानते हो, उनको एक एक जगह ही जानते थे, 6 बजे और 12 बजे ही जानते थे उनको, तो एक एक बार, ये दो दो बार जानते हो तो एक घंटे में ये 2 बार होगा, बाकी पहले वाली स्थितियां एक एक बार हो रही थी। आपसे कोई ये पूछे कि समकोण एक घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप उससे ये कहेंगे कि जो समकोण होता है वो एक घंटे में 2 बार बनता है। कोई ये कहे कि 12 घंटे में कितनी बार होता है, तो दो दो घंटे के हिसाब से 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ये 22 बार ही बनता है, यानी कहीं ना कहीं नहीं बनता होगा। कोई भी आपसे ये पूछे कि 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, तो आप ये कहेंगे 22 बार बनता है। अब ये कहाँ कम बनता है, अब इसके आगे तो 12 ही डायल होते हैं, 12 घंटे का ही चक्कर होता है, 12 घंटे के बाद दोबारा काटेगी तो यही रिवाइज होगा। कोई आपसे ये पूछे 24 घंटे में कितनी बार, तो आप कहेंगे 44 बार। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक दिन के अंदर घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो कितनी बार समकोण बनाती हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, एक दिन 24 घंटे का बताएंगे आप, 24 घंटे में 44 बार समकोण अवस्था में आती हैं घड़ी की सुइयां, 12 घंटे में 22 बार आती हैं। अब ये कहां कम आती हैं, 12 घंटे में 24 बार आनी चाहिए, एक घंटे में 2 बार आती हैं, तो कहीं ना कहीं कम आती होंगी। अब ये कहां कम आती हैं ये सीखते हैं। जहां भी लोग जानते हैं उसके तुरंत बाद कम आती हैं, यानी 3 से 4 बजे के दौरान एक बार ही घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं, बाकी हर बार दो दो बार बनाती हैं, यानी इधर से जाते हुए और उल्टे से बार, दोनों बार में समकोण बनाती होंगी, उल्टा और सीधा दोनों टाइम समकोण बनाती हैं, सब जगह दो दो बार बनाती हैं, लेकिन 9 से 10 के बीच एक ही बार बनाती हैं और 3 से 4 के बीच एक ही बार बनाती हैं, बाकी सब जगह दो दो बार बनेगा समकोण, दो दो बार बनता है हर बार, लेकिन 9 से 10 और 3 से 4 बनना दो बार चाहिए, एक एक बार ही बनता है। जहां आप प्रॉपर पहचानते हैं उसके तुरंत बाद वो स्थिति कम पड़ती है, एक बार कम पड़ती है, जैसे अतिव्यापन में आपने सीखा था कि 12 बजे अतिव्यापन आप सब जानते हैं, तो उसके अगले वाले घंटे में वो कम हुआ था, 6 बजे सरल कोण सब जानते थे, तो 6 बजे के बाद 6 से 7 वो कम हुआ था। तो ये बेहद आसान सी बातें हैं, याद करना भी आपको आसान है, कर लिया होगा। इसका समय ज्ञात करने का मैं आइडिया ही बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चंस के साथ करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे। बहुत बार आपको ट्रिकें वर्के रटा दी जाती हैं, बहुत सारे वीडियो के अंदर या कहीं भी कोचिंग्स के अंदर आपको बड़े बड़े फॉर्मूले रटाए जाते हैं जिनसे कि आप उनका सॉल्यूशन ही नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा जिससे कि आप इनको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे कि कितने बजे होता है। कई बार ऐसे आता है 1 से 2 बजे के बीच समकोण कितने बजे बनता है, बनता तो 2 बार है लेकिन कितने कितने बजे बनता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो ये बेहद आसान चीजें हैं, सीख गए होंगे। अब तीनों को एक साथ रिवाइज करते हैं
और फिर क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं और क्या क्या आए हुए हैं एग्जाम में। ये तीन स्थितियां आपने देखी, 12 बजे वाली स्थिति आपने देखी कि 12 बजे घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो अतिव्यापन, आच्छादन, संपाति, ओवरलैपिंग दोनों सुइयों का एक ही दिशा में आना, 0 डिग्री या 360 डिग्री का बन जाना, ये चीजें आपने देखी। तो एक घंटे में अतिव्यापन एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है, 36 में 33 बार। 12 घंटे का 11 याद था तो ये आप सभी याद कर लिए होंगे। नीचे मैंने नोट लगा के लिखा है कि 11 से 1 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां केवल एक ही बार 12 बजे ही अतिव्यापन करती हैं, उन 2 घंटों में एक ही बार करती हैं, करनी 2 बार चाहिए इसलिए वो 11 बार हो जाता है। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही डाटा था कि 6 बजे जो सरल कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनना, सरल कोण बनना, रिजु कोण बनना, दोनों सुइयों का आपस में विपरीत दिशा में आ जाना, एक दूसरे के विपरीत आ जाना, ये 6 बजे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बाकी होता बहुत जगह है लेकिन 6 बजे तो आप प्रॉपर जानते हैं। तो ये 1 घंटे में एक बार सरल कोण बनाती हैं, 12 घंटे में कोई पूछे तो 11 बार बनाती हैं, 24 घंटे में 22 बार, 36 घंटे में 33 बार। इसका डाटा सेम है, होते अलग अलग जगह हैं लेकिन काउंटिंग सेम है दोनों की। नीचे नोट लगाया है कि 5 से 7 बजे के मध्य ये जो सरल कोण होता है वो एक ही बार बनता है और ठीक 6 बजे बनता है, ये भी समझ गए होंगे। यहाँ एक बार कम हो जाता है ये। फिर आपसे कोई यहाँ कह रहा हो कि लंबवत कितनी बार बनता है, तो ये भी आपने सीखा कि 3 बजे और 9 बजे 2 बार जानते हैं आप, इसे 2 बार तो प्रॉपर जानते हैं, बनता तो जगह जगह ही है लेकिन लोग इसे 2 जगह तो अच्छे से पहचानते हैं, 3 बजे और 9 बजे अच्छे से पहचानते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार, 12 घंटे में समकोण बनता है 22 बार, तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है, यानी 1 दिन में 44 बार बनता है। 1 दिन की यूनिवर्सल वैल्यू 24 घंटे 24 आवर्स आप बताएंगे। कोई भी कह सकता है 1 सप्ताह में कितनी बार बनता है, 1 दिन का पता है तो सप्ताह के लिए 7 से गुणा करके सप्ताह का बना लेंगे। कभी कह सकता है 1 महीने में कितनी बार बनेगा, तो महीने को दिनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 दिन में कोई भी चीज़ 22 बार घटित होती हो तो महीने में कितनी बार होगी, मान लो जनवरी का महीना है तो 31 दिन वाला होगा तो 31 गुणा 22 बार घटित होगी। 1 साल में कितनी बार घटित होगी, तो कोई भी साल है, सामान्य वर्ष है तो 365 दिन से गुणा कर लीजिए, कितना भी बता सकते हैं। बेसिक आइडिया आपको एक बार होना चाहिए। इनका समय ज्ञात करने का एक मैंने नीचे तरीका लिख रखा है, चाहे से इन तीनों में से किसी का भी समय ज्ञात करवाए, आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई से भी क्वेश्चंस आपको करवाए, उनको हम देख के ही सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। अतिव्यापन 0 डिग्री का बनना, समकोण बनना, सरल कोण बनने का समय ज्ञात करना कि कितने बजे घटना होती है, वो आप सूत्रों से कैलकुलेट करते होंगे, मैं एक आइडिया बताऊंगा। स्थिति का लगभग समय प्लस लगभग मिनट गुणा 1/11, लगभग मिनट में यानी 11 का भाग देना है, तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे, सिर्फ मिनट में 11 का भाग देके ही देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन, ये सारी बातें आप सीख चुके हैं, क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं जो एग्जाम में आए वो देखते हैं। 18 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में आप देख चुके हैं, 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, घड़ी की दोनों सुइयां 1 दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन करती हैं। अतिव्यापन इसे कहते हैं, ऐसे हो जाने को अतिव्यापन कहते हैं, जो 12 बजे होता है वो अतिव्यापन 0 डिग्री वाले कोण को, ये कितनी बार होता है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में 22 बार होता है। ये आपको समझा दिया है मैंने कहाँ कहाँ होता है, ये 11 से 1 बजे के दौरान एक ही बार होता है, इन 2 घंटों में जो 12 बजे होता है, बाकी सभी जगह एक एक बार होता है। तो इस प्रकार से ये 12 घंटे में 11 बार ही होता है और 24 घंटे में ये 22 बार होता है। सीखा आपने, बहुत आसान बात थी, सीखे हुए हैं तो चलत में ही लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं, सीधी होती है, बिल्कुल सीध में होती हैं, घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार सीध में होती हैं, ये आपसे पूछा था सीजीएल 2014 के अंदर। तो ये सीधी रेखा में होती हैं, ऐसे हर घंटे में 1 बार होती हैं, 12 घंटे में ये 11 बार होती हैं और
एक दिन की बात कर रहा है, दिन की बात करेगा तो आप 24 घंटे का उत्तर बताएंगे हमेशा, तो ये 22 बार होती हैं। तो इसका उत्तर आपके आ जाता कि 22 बार ये दिन में सीधी होती हैं। तो एक सीधी सीधी रेखा में कब होती हैं, तो ये 22 बार होती हैं, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार होती हैं और 24 घंटे में 22 बार होती हैं। बेहद आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पिछले वाली जो जानकारियां आपने पढ़ी हैं अभी, वो सारी ऐसे क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या था, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे को ढकती कितनी बार है, ढकने वाली कौन सी स्थिति होती है जो 12 बजे आप देखते हैं, ये स्थिति ढकने वाली हो गई। अब मैंने आपको सिखाया था एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में ये 11 बार ही होती है। तो दिन की बात कर रहा है तो 24 घंटे का बताना है, कभी भी दिन की बात करे तो आप 24 घंटे का लेकर बताएंगे, तो 24 घंटे में ये स्थिति होती है 22 बार, तो आपका जो उत्तर हो जाता वो सी हो जाता। तो ये 0 डिग्री, अतिव्यापन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, इसे ही कहते हैं ढकना, एक ही दिशा में आ जाना, ऐसे लैंग्वेज के आपके पास कुछ वर्ड पेपर्स में मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप पहले सीख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाले नहीं होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन। अगस्त महीने में, आपसे कह रहा था अगस्त महीने में घड़ी की सुइयां कितनी बार सरल कोण बनाती हैं, अगस्त महीने में। सरल कोण आप जानते हैं, जो 6 बजे बनता है उसे आप सरल कोण कहते हैं। तो ये कितनी बार बनता है अगस्त महीने की बात करें, तो पहले तो आप एक दिन की बात करें, ये 24 घंटे के अंदर 22 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है सरल कोण, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। यहां पूछा है अगस्त महीने में, तो एक दिन का मेरे को पता है तो मैं अगस्त महीने का भी आराम से निकाल सकता हूं। अगस्त महीने में दिन होते हैं 31, 31 दिन वाला होता है अगस्त महीना, कोई से भी महीना पूछा जाए उसके दिन अवश्य ध्यान रखिएगा। 31 को मैं 22 से गुणा कर देता, बहुत ही आसानी से उत्तर आ जाता, 22 से कम 22 हो जाता, 22 या 66 हो जाता, तो 282 बार आपका जवाब बी ऑप्शन सही होता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आसान बातें हैं, ये लगा सकते हैं। तीनों स्थितियां मैंने आपको समझा दी हैं कि वो कितनी बार होती हैं और एक दिन में कितनी बार होती हैं। तो एक दिन का पता है तो सप्ताह में, महीनों में, वर्षों में, शताब्दी में कभी भी बता सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब 682 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, घड़ी की सुइया 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री वाला कोण, समकोण जो 3 बजे और 9 बजे आप जानते हैं ऐसा, तो एक घंटे में 2 बार बनाती है ऐसा कोण। तो 12 घंटे में जो समकोण बनता है, 12 में तो बनता है ये 22 बार, 12 में ही 22 बार हो जाता है, प्रत्येक घंटे में 2-2 बार बनता है, 3 से 4 और 9 से 10 एक-एक बार कम बनता है, ये मैं सिखा चुका हूं। तो 24 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में 22 बार होता है, तो 24 घंटे में 44 बार होता है। बेहद आसान है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आप इसे लगा दें आराम से। तो 90 डिग्री होता है वो एक दिन में 44 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये आसान सी बातें हैं, लगा सकते हैं। इनका तीनों स्थितियों का अलग अलग आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण अवस्था में आती हैं। एक सप्ताह में, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपसे कोई ये कहे कि एक वीक में कितनी बार घड़ी की सुइयां आती हैं, तो 7 × 44, एक दिन में 44 बार समकोण बनाती है, ये मैं कई बार समझा चुका हूं। एक दिन में 44 बार बनाती हैं, तो सप्ताह के बारे में आप बिल्कुल इजी तरीके से बता सकते हैं कि सप्ताह में कितनी बार, तो एक सप्ताह में 7 × 44 बार, तो आप इसे गुणा कर देते, 7 × 28 होता और 7 × 28 308 हो जाता। बेहद आसान सा क्वेश्चन था,
कर सकते थे इसे। तो खुश हो जाएंगे आप ऐसे प्रश्नों को देख के एग्जाम में, यदि इनके बेसिक बेसिक सी बातें आपने सुन रखी हैं पूरे ध्यान के साथ, तो कभी भी क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी पूछ दिया जाए वो आपके आराम से जहन में आएगा और उसे सही लगा पाएंगे। तो सप्ताह का पूछे तो एक दिन की यूनिट को 7 से गुणा कर दें, महीने का पूछे तो महीनों के दिनों से गुणा कर दें, वर्ष का पूछे तो वर्ष के दिनों से गुणा कर दें। एक दिन का पता होना चाहिए आपको कि 12 घंटे में ये कितनी बार होता है और 24 घंटे में ये कितनी बार होता है। 12 घंटे का होता है उसका ये डबल कर देते हैं तो 24 घंटे का पता चल जाता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से सवाल जो एग्जाम्स में पहले आपसे पूछे हुए हैं। 11 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होती हैं? संपाती कहते हैं जो ऐसे हो जाती हैं, एक दूसरे को ढकना, ज्योमेट्री में आप संपाती उसे कह सकते हैं। वो कह रहा है कि 11 से 1 बजे के दौरान कब ऐसे होता है, 11 से 1 बजे के दौरान कब ऐसे होता है। तो आपको मैंने बताया कि 12 से 1 तो होता ही नहीं है, जो ठीक 12 बजे होता है वो 12 से 1 होता है। पूरी दुनिया जानती है कि 11 से 1 बजे के दौरान जो ये संपाती होती है, अतिव्यापन आच्छादन 0 डिग्री बनता है, वो ठीक 12 बजे बनता है और एक ही बार बनता है। इन 2 घंटों में 2 बार नहीं बनता है, बाकी सभी घंटों में एक एक बार बनेगा, लेकिन 11 से 1 बजे तक अतिव्यापन हमेशा एक ही बार होगा और वो ठीक 12 बजे होगा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब इनका समय लगाना सीखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। 26वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में हाल ही में आए हैं, तो ध्यान लगा के सुनिएगा इस चीज को, बेहद आसान चीज है और मैं जैसे आइडिया लगाना आपको बता रहा हूं वैसे आप इसको लगाएंगे। प्रश्न कह रहा था 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय अतिव्यापन की अवस्था में आएंगी। अतिव्यापन की अवस्था क्या होती है? तो मैंने आपको ये बताया कि अतिव्यापन की जो अवस्था होती है वो होती है इस प्रकार की अवस्था, ढक लेने को अतिव्यापन कहते हैं। तो अब आपको इन समयों में से समय बताना कि ये कब होती है। तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रखें कि ये अतिव्यापन आपको आइडिया लगाना है लगभग लगभग समय। तो पहले आप ऐसी एक चीज लिख लें जो आपको मैंने पहले भी दिखाई, लगभग समय। एक तो लगभग समय आपको आइडिया लगाना है, प्लस जो लगभग समय में मिनट आई है उसमें 11 का भाग लगाना है, जिससे कोई भी स्थिति, चाहे से वो 90 डिग्री आपसे पूछ रहा हो, चाहे से वो समकोण आपसे पूछ रहा हो, चाहे से वो सरल कोण पूछ रहा हो, कोई सा भी पूछ रहा हो, ये छोटा सा आइडिया ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसे यूज लेना आपको सिखाऊंगा। लगभग समय प्लस जो लगभग समय में मिनट आई है उन मिनटों में 11 का भाग देके उसमें जोड़ दें तो आपके पास उसका समय का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि नीचे देखिए ऑप्शन किस किस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं उनमें से एक चूज करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ही आप सोल्व करें। तो मैं सिखाता हूं आपको कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो आप आइडिया लगाएंगे कि 1 से 2 ऐसा होता कब है, घड़ी बना के लगा लें शुरू में आप, बाद में तो इसे वैसे ही याद होना चाहिए। मैं घड़ी बनाता हूं, ये मैंने घड़ी बनाई, फटाक से ऐसे एक घड़ी बना ले शुरू में समझने के लिए। अब 1 बजा हुआ है, 1 से 2 बजे के मध्य यानी 1 बजा होगा और 1 से 2 के बीच ये कब इसके ऊपर से जाएगी, ये आइडिया लगाना है। 1 से 2 का टाइम होगा तो कब ये लगभग कब इसके ऊपर से जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि लगभग ये 1:05 पर इसके ऊपर से जाएगी। तो लगभग समय होता आपका 1:05, समझ के लगभग समय का आइडिया लगाना है। तो जैसे 2 से 3 होता तो 2 से 3 2:10 पे जा रही होती, 3 से 4 होता तो 3:15 पे जा रही होती, 4 से 5 होता तो 4 से 5। तो लगभग आइडिया लगा लें कि उस घंटे वाली सुई के ऊपर से कब जाएगा, एक्यूरेट नहीं लगभग लगा लें। तो लगभग ये कब जाती, 1:05 पे। अब मैंने कहा कि प्लस 5/11 कर दें, इस लगभग मिनट में 5/11 का भाग दे दें, तो 5 मिनट में 11 का भाग देते पूरा नहीं जाएगा, ऐसे ही देगा आपको। तो
तो ये हो जाता 1:05 सही 5/11, कुछ भाग जाए तो इधर बढ़ा देते, बाकी ये भाग जा नहीं रहा था, तो ये बिल्कुल सेकंडों का प्रश्न था, बी ऑप्शन आपका उत्तर। तो ये थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिएगा, जिससे कि ये चीजें आपको डायरेक्ट परीक्षा में लगानी आए कि लगभग समय में जो मिनट आएगी उसमें 11 का भाग लगा के जोड़ देंगे। 11 का भाग लगाना बेहद आसान है, यहां कोई बड़ा नंबर नहीं आना है, 5, 10, 15, 20, 45, 55, लास्ट 60 मिनट से ऊपर हो नहीं सकती। तो मिनट में 11 का भाग लगाएंगे तो 60 से ऊपर का भाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भाग 2 से 3 सेकंड का भाग होगा, और ऐसे आप सोच सकते हैं उनको। तो लगभग समय का आइडिया लगाइएगा आप हमेशा, और इसे अतिव्यापन का समय बता दीजिएगा। जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे कहता कि ये समय होता 2 से 3, 2 से 3 होता, तब आप क्या बताते? यदि मान लो आपसे कहीं पे ऐसे कहा गया कि 2 से 3 बजे के बीच, तो आप ये आइडिया लगाते 2 बज जाएंगे। अब कब सी इसके ऊपर से जाएगी, अतिव्यापन कब सी होगा, लगभग समय होगा 2 से 3 का, उसमें 2:10 पे लगभग जाएगी, 2:10। तो ये लगभग समय आपने फाइंड कर लिया, आइडिया लगाएं आप, ये 2 सेकंड में आइडिया लग जाता है कि लगभग 2:10, और 10 के अंदर 11 का भाग देंगे, मिनटें जो आई हैं उसमें 11 का भाग देकर यहां जोड़ देंगे। तो ये होगा 2 सही 10 बटा 11। तो 2:10 और 10/11 और हिस्सा मिनट का वहां पर ये होगा, ऑप्शन में ऐसे आपको दिखेगा। कहीं भी दे रखा हो, आपसे ऐसे कह रखा हो, मान लो कि आप हमें 5 से 6 बजे के बीच बताइए, ऐसे होता कि 5 से 6 के बिटवीन घड़ी की सुइयां अतिव्यापन कब करेंगी, तो 5 से 6 के बिटवीन क्या होंगी, 5 बजाएंगे। आप ऐसे मन में ही सोच लेंगे, ऐसा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मन में ही आइडिया लगा लेंगे कि 5 बजते हैं तो घड़ी की सुइयां 1:12 पे होती है और 1:05 पे होती है। ये कब इसके ऊपर से जाएगी, तो कब इसके ऊपर से जाएगी, जब 5:25 होंगी। तो 5:25 पर ये लगभग इसके ऊपर से जाएगी। आइडिया लगाना है, कोई भी सूत्र नहीं रटना है, लगभग समय प्लस मिनट में 11 का भाग देना है, उस लगभग समय में जो मिनट आएंगे उसमें 11 का भाग देना है। ये लगभग समय हो गया 5:25। अब उत्तर इसको सही करना है लगभग को, तो 25 में केवल 11 का भाग लगाना है। तो अब देखिए 11 का भाग इसमें 2 बार तो पूरा जाएगा, तो 2 तो यहां शिफ्ट कर दीजिए, उसे ऐसे मन में ही शिफ्ट कर दीजिए, तो 25 और 2 27 हो गया, तो 27 सही 3/11 आपका उत्तर। 11 का भाग 2 बार पूरा जा रहा था, 3 शेषफल बच रहा था, तो वहां मिश्र भिन्न बना देंगे, 27 सही 3/11, 2 तो यहां आ जाएगा इसके पास। तो पूरा भाग जाए वो तो शुरू वाले आईडीए की जो मिनट है उसमें जोड़ दें, और उसके आगे वो हिस्सा है वो लटका दें। तो मेरे हिसाब से बेहद आसान है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों ही स्थितियों में लगा सकते हैं, चाहे से 90 डिग्री ज्ञात करना हो, चाहे से 90 डिग्री, चाहे से 0 डिग्री, और चाहे से 180 डिग्री। तीनों स्थितियां जो सीखी तीनों में इसे यूज कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे हुए हैं, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होंगी, एक साथ होना मतलब ढक लेना, अतिव्यापन होना। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा था कि घड़ी की सुइयां 6 से 7 बजे के दौरान किस समय एक साथ होंगी। तो आपको बिल्कुल आसानी से ऐसे घड़ी बनानी नहीं है, शुरू में आप सीखने के लिए बनाएंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं, बाद में तो आप मन में ही सोच लेंगे कि 7 बज रहे हैं, 6 से 7, तो पहले तो मैं 6 बजाता हूं, पहले वाला जो छोटा समय है वो बजा लेंगे कि 6 बज रहे हैं। अब ये कब एक साथ होंगी, यानी कब इसके ऊपर से जाएगी, तो ये इसके यहां पर आएगी। तो लगभग आइडिया लगाएं आप, लगभग समय देखेंगे कि लगभग टाइम क्या है, लगभग समय प्लस जो मिनट आई है लगभग समय की, उसमें 11 का भाग दे देंगे। समझ गए होंगे कैसे यूज करना है, तो कोई भी अड़म दड़म नहीं रटना पड़ेगा, तरह तरह से अलग अलग सूत्र रटने पड़ते हैं तीनों अवस्थाओं के लिए, और गणना तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही, गणना एक छोटी सी है, मिनट में 11 का भाग देना है। यदि आप सूत्र उत्तर रटते हैं तो गणना बहुत बड़ी करनी पड़ती है आपको, और उसमें गणना में ही आपको टाइम लग जाता होगा, ये देख के फॉलो कर सकते हैं। अब आप ये बजाइए, 6:30 के लगभग होगा, लगभग समय हो गया 6:30 पे ये मिल लेंगी, ऐसे आइडिया लगा लें कि कब सी ऊपर जाएगी, 6 बजा के देख लें कि कब सी ऊपर जाएगी, लगभग 6:30 पे ऊपर से जाएगी।
तो 6:30 पे इसके लगभग ऊपर से जाएगी, तो अब ये सही नहीं है क्योंकि ये सुई आगे भी तो चली जाती है, तो ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6:30 का जो मिनट आया है उसमें आप 11 का भाग देके उत्तर बता दें। 11 यहाँ भाग देंगे तो यहाँ से 11 2 22, 2 इधर शिफ्ट होगा, 6:32 हो जाएंगी और 8 शेष पल बचेगा। ऐसे मन में ही लगा लें, समझ गए होंगे, गणना बगैर करे ही दिख रहा होगा। यहाँ से 11 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, तो इस 30 मिनट में 2 बढ़ा दीजिए तो ये 32 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर शेषफल बचेगा तो 6:32 सही 8/11 मिनट पर ऐसा होगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता। चलिए और क्वेश्चंस के साथ इसको पुख्ता करते हैं और आपको मैं पक्का सिखा देता हूं इन चीजों को। 28वां क्वेश्चन क्या था? 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी यानी कि अतिव्यापन 0 डिग्री का कोण कब आपस में मिलेंगी 10 से 11 के बीच? तो मैंने कहा लगभग समय का आइडिया लगाइए फटाक से कि लगभग समय क्या होगा 10 से 11, तो 10 बजा लीजिए आप पहले। तो अब आइडिया लगाइए कि ये ऊपर से आएगी, 10 बजा के आइडिया लगाइए कि ये कब से ऊपर आएगी। तो ये मिनट वाली सुई घूम के ऊपर आएगी तो यहां से ही आएगी, तो 10:50 लगभग समय हो गया, 10:50 लगभग समय हो गया। अब 10:50 लगभग हो गया तो मैंने इसको सही करना बताया कि इस 50 जो मिनट आई है उसमें 11 का भाग लगा दें, लगभग समय पता करेंगे और लगभग समय में जो मिनट आई है उसमें 11 का भाग देके आप उत्तर निकाल लेंगे। बेहद आसान मेथड है और गणना तो आप मन में ही कर सकते हैं। ये 50 में 11 का भाग दिया तो 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, तो 50 में 11 का भाग मन में ही दे सकते हैं, 4 इसमें बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 54। ऑप्शन में देख लें 10:54 वाला एक ही विकल्प हो तो ये टिक कर देते, 54 सही 6/11। यानी लिखना भी नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करना है कि यार 10 बजेंगे तो घड़ी की सुइयां कब सी ऊपर से जाएंगी, तो जब वो 10 पे मिनट वाली सुई जाएगी तभी ऊपर से जाएंगी ऐसा आप लगभग सोच लें। तो 10 के ऊपर जाएंगी तो 10:50 होंगी, और 10:50 होंगी तो 50 में मैं 11 का भाग देऊंगा, 11 का भाग 50 में दिया तो वो 4 बार गया, तो इधर 50 में मैं 4 बढ़ा दूंगा तो वो 54 हो जाएगा। तो 10:54 सही 6/11 आपका उत्तर हो जाता। सीखे होंगे इस बात को। चलिए अगले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया से। 29 नंबर वाला क्वेश्चन, 2:30 से 3:30 बजे। अब देखिए टाइम यहां साला 2:30 से 3:30 का दिया है, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, ऐसे तो आप निकालते हुए आए हैं। घड़ी की सुइयां किस समय अतिव्यापन की अवस्था में आती हैं? अतिव्यापन की अवस्था में कब आती हैं ये आपसे पूछा था, तो मैं आइडिया लगाता पहले। तो पहले तो मेरे को यहां पर 2 से 3 वाला समय निकालना था। 2 से 3 आइडिया लगाएंगे, 2 से 3 वाला पड़ता है तो ठीक है, वरना फिर 3 से 4 लगाएंगे, दो स्टेज आ गई इसके अंदर। तो पहले तो मैं 2 बजा लेता हूं कि 2 बजे के बाद लगभग पता करना है कि लगभग कब। तो लगभग ये इसके ऊपर से जाएगी, तो अतिव्यापन पूछ रहा है तो इसके ऊपर से जाएगी, तो लगभग 2:10 पे वो ऊपर से जाएगी, लगभग हो गया ये। और 10 में आप 11 का भाग देंगे तो भी यही आएगा, 2:10 सही 10/11 उत्तर आता, तो ये 2:30 से पहले ही रह गया। आपने 2 बजे से जांचा कि 2 बजे के बाद कब होगा, तो वो 2:30 से पहले ही रह गया, प्रश्न ने पूछा है 2:30 के बाद। अब दूसरा निकाल देंगे आप 3 बजे वाला, कि 2 से 3 होता है क्या, आप 3 से 4 होता है क्या, 3 बजा दीजिए आप, ये 3 बज गए, 3 बजे होता है क्या, लगभग समय लगाया तो 3:15, और अब आप 15 में 11 का भाग दे दीजिए, 3:15 और प्लस मिनट में 11 का भाग देके आइडिया लगा दें। 15 में 11 का भाग दिया, 1 बार जाएगा तो 3:16 हो जाएंगी, तो जो होगा वो 3:16 सही 4/11 सी ऑप्शन हो जाता। परीक्षा में बेहद आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक तो 2 से 3 आ जाए, 2 से 3 आ जाए तब तो आप 2 से 3 वाला समय निकाल ही लेंगे, लेकिन कहीं 2:30 बजे से आ जाए या 1:30 बजे से आ जाए, 1:45 और 2:45 के बीच आ जाए, तो 1 बजे से ही निकालना है उसको,
एक से देख लें कि उस टाइम में पड़ता है तो ठीक है, फिर दो से निकाल लें। अभी आपसे 2.5 से 3.5 के बीच पूछा था, तो पहले 2 से 3 चेक कर लें, फिर 3 से 4 चेक कर लें, कोई सा एक ही बीच में पड़ रहा होगा तो वही आपसे पूछा होगा। बेहद आसान क्वेश्चन थे, तो ये तरीका सीख गए होंगे। लगभग समय आप अज्यूम करें, लगभग समय में जो मिनट आए उसमें 11 का भाग देके आप उसे जोड़ दें, 11 का भाग जितनी बार जाए मिनट में इधर ट्रांसफर कर दें। डायरेक्ट गणना करें आप हमेशा, क्योंकि गणना ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में टाइम आपकी गणना बचा सकती है। आप बड़े बड़े फॉर्मूलों के साथ जाएंगे तो आपको ये कंडीशन ही नहीं आनी, समय मिलना ही नहीं इनके अंदर। तो आप समझ गए होंगे, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक घड़ी की घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में है तथा मिनट वाली सुई उसके विपरीत दिशा में है, तो घड़ी में समय हो रहा है, समय क्या हो रहा है, टाइम विपरीत है, मतलब 2 और 3 के बीच में है और विपरीत है, तो प्रश्न क्या कहना चाहता है वो सीखिए। प्रश्न विपरीत वाली कंडीशन का टाइम जानना चाहता है आपसे। तो प्रश्न आपसे ये कह रहा था कि घड़ी की सुइयां 2 से 3 बजे के बीच विपरीत कब आती हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा था कि 2 से 3 के बीच में है घड़ी की सुइयां और विपरीत ऐसा हो रही हैं कि विपरीत कब आती हैं। तो मैंने आपको कहा 2 से 3 वाला समय आइडिया लगाइए, ये 2 बजा दिए मैंने, 2 से 3 कब विपरीत आती हैं, तो लगभग आइडिया लगाइए 2 के विपरीत कौन होता है। तो आप ये कहेंगे 2 के विपरीत आपके इधर 8 होता है, तो 2:40 लगभग समय होगा, तो 2:40 लगभग समय होगा। कोई सी भी कंडीशन निकालनी हो तीनों में से, आप एक लगभग समय निकालेंगे कि कब सी होगा, 2 बजा लेंगे तो 2 में उसके उल्टे पे कब जाएगा, 2 के उल्टे पे होता है घड़ी के अंदर। देखिए 1 के अपोजिट होगा 7, ये वाला 1:35 लगभग होगा, मतलब 2 के अपोजिट होता है ये 8, मतलब लगभग होगा 2 बजे के बाद 2:40। 3 के अपोजिट पूछे तो 9 इसके अपोजिट होता है, तो 3 बजे बाद में अपोजिट टाइम लगभग टाइम क्या होगा, 9:45। तो विपरीत का ऐसे आप मन में पता कर सकते हैं बगैर घड़ी बनाए भी, लगभग आइडिया लगाएंगे। तो 2 से 3 पूछा है तो 2 बजा के लगभग आइडिया लगाएंगे कि 2 बजे के बाद कब इसके विपरीत आएगी, लगभग में विपरीत कब आएगी, तो विपरीत आएगी 2:40 पे। अब मैंने कहा एक छोटी सी गणना है, 40 में सिर्फ 11 का भाग देना है, 2:40 और 40 मिनट में 11 का भाग देना है, कोई भी गणना आपको नहीं करनी। अब आप मुझे ये बताइए 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं आप, 40 में 3 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा 33 तक, तो ये 40 है वो 43 हो जाएगा। समझ पाए होंगे कैसे कर रहा हूँ मैं, तो 2:43 सही 7/11 आपका उत्तर हो जाता, सी ऑप्शन। लगभग समय लगाइएगा, लगभग समय की मिनट के अंदर 11 का भाग लगा के, भाग जाता है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, जितनी बार जाता है उसको मिश्र बिन में आएगा उत्तर। तो समझ गए होंगे, ये आसान आसान सी बातें आपसे पूछी हुई हैं। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, पेन पेपर को छोड़ के ध्यान इधर लगाइए, केवल आप इन्हें समझ से ही कर सकते हैं। सूत्र में क्या लिखना है, लगभग समय प्लस मिनट में 11 का भाग, ये आप देख चुके हैं, लिख चुके हैं, नोट्स में भी आपके मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, 9 बजे के बाद रात्रि में 9 और 10 बजे के बीच में एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होंगी, विपरीत दिशा में कब होंगी 9 से 10। तो चलिए कब सी होती हैं, लगभग समय का आइडिया लगाते हैं अपन कि लगभग कब विपरीत होंगी 9 से 10। वो तो ये मैंने घड़ी बना दी आपके लिए, 9 से 10 के टाइम में विपरीत देखना है। तो 9 से 10 के टाइम में पहले तो मैं 9 बजा लेता हूं और फिर आइडिया लगाऊंगा। 9 से 10 है तो आप 9 बजे से आइडिया लगाएंगे कि 9 बजे के बाद विपरीत कब होगी। तो विपरीत आप मुझे बताइए, ये विपरीत यहां से जाते ही हो जाएगी, 9:15 पर ही ये विपरीत हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 5-7 सेकंड का क्वेश्चन था, अब ये विपरीत का ये लगभग समय कितनी देर में खोज पाते हैं ये आप पे डिपेंड है, घड़ी को देख सकते हैं या मैंने सोचना आपको सिखा दिया है। तो लगभग 9:15 पे इसके इक्वल होगी, ये लगभग है, बराबर नहीं होगी, ऊपर जाने पर होगी, लेकिन लगभग टाइम लगाएं आप। लगभग को सही करने के लिए एक तरीका बताया, इस 15 में आप 11 का भाग देकर जोड़ देंगे,
15 में 11 का भाग एक बार जाता है, तो एक तो इसके पास पहुंचा दें तो 9:16 हो जाएंगी और 4 शेष बच जाएगा 4/11। सी ऑप्शन आपका जवाब होता सही। तो देखिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी आने वाली है, सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए, लगभग समय का आइडिया आप मेरे साथ साथ लगाते जाइए। लगभग समय में 11 का भाग देने ये मन में ही कर सकते हैं, ये एक बार गया तो ये भी मन में ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लिख के नहीं होना चाहिए कि 15 में 11 का भाग दिया, एक बार गया तो 15 में एक जोड़ दिया 16 हो गया, तो लगभग मिनट बढ़ जाएगी यहाँ पर, भाग जाता है, नहीं जाएगी तो उसको वैसे की वैसे ही बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। एक और बहुत ही अच्छा सवाल, 8 और 9 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं, सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं, मतलब विपरीत होंगी। संपाती तो एक दूसरे के ऊपर होता है, संपाती तो कहते हैं एक के ऊपर एक, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन खींच दें उसे संपाती कहते हैं, और दो अलग अलग लाइनों को ज्वाइंट कर दें उसे सीधी कहते हैं। तो यहां से कह रहा था कि सीध में कब होंगी, तो सीध वाली चीजें मैंने आइडिया लगाना बताया आपको, लगभग समय के अंदर आप भाग लगा देंगे। तो ये आपके पास में एक घड़ी बना ली हमने, ये घड़ी बन गई आपकी, और इस घड़ी में आइडिया लगाना था आपको। आठ से नौ बजे के मध्य घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में कब होंगी, तो 8 से 9 है तो पहले तो मैं 8 बजे से आइडिया लगाता, ये 8 बजे हैं, 8 बजे से आइडिया लगाता कब विपरीत होती, तो आप मन में ही लगा सकते हैं कब विपरीत होगी, घंटे वाली सुई 8 पे होगी और मिनट वाली सुई जब 2 पे होगी तब विपरीत होगी। लगभग समय लगा लें आप ऐसे, घंटे वाली से लगभग लगा लें कि घंटे वाली के विपरीत कब होगी, घंटे के ऊपर से कब जाएगी घंटे वाली सुई के, या फिर वहां से 90 डिग्री कब बनाएगी, एक लगभग समय का आइडिया लगा लें आप। तो लगभग समय हो गया 8:10, 8:10 लगभग समय हो गया। अब 10 में प्लस मैंने कहा जो यहां से लगभग समय में जो मिनट आई है उसमें 11 का भाग दे लें, 11 का जाता नहीं है तो 8:10 सही, 10/11 ही आपका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाग जाता तो इसमें कुछ और बढ़ जाता है। तो ये समझे होंगे आप, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, लगभग समय का आइडिया लगाइए, लगभग जो मिनट होती है उसमें 11 का भाग लगाइए, भाग जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो उसको मिला के लिख दीजिए, भाग जाए तो वो जो जितनी बार जाए उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो गणना बहुत कम करनी पड़ेगी, सूत्र जो आपको सिखाए जाते हैं उनमें बहुत सारी गणना करनी पड़ती है और एक एवरेजन स्टूडेंट हर तरह की गणना नहीं कर सकता, तो ऐसे निकालिएगा, आज के बाद में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे और सारी अवस्थाएं होंगी, ऐसे नहीं है कि समकोण की छूट जाएगी या सरल कोण की छूट जाएगी, तीनों अवस्थाएं होंगी, 90 डिग्री कब बनता है, 0 डिग्री कब बनता है, 180 कब बनता है, सारी अवस्थाएं होने वाली हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, 18वें नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, वो सॉरी 33वें क्वेश्चन आपके लिए, 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब लंबवत अवस्था में आती हैं, लंबवत अवस्था 90 डिग्री को कहते हैं। अब 7 से 8 बजे 90 डिग्री की अवस्था में दो प्रकार से आती हैं, दो बार आएंगी, तो 7 से 8 90 डिग्री कितनी बार बनेगा ये आपसे कोई ये पूछे, तो 7 से 8 दो बार बनता है, तो पहले तो मैं 7 बजा के आइडिया लगाता, ये 7 बज गए, यहां से मैं आइडिया लगा रहा होता कि 90 डिग्री एक बार तो ये सुई है, यहां से 90 डिग्री ये 30-30 के खाने होते हैं, तो तीन खानों में एक बार तो 90 डिग्री ये बनेगा, यानी एक टाइम तो आएगा लगभग 7:20, 7:20 के लगभग होगा एक टाइम, तो एक बार 90 डिग्री अब इसके आगे जाने से बनेगा 30-30, 60-30, 30 या 90, यानी एक होगा 7:50। समकोण दो बार बनता है, लंबवत अवस्था दो बार होती है एक घंटे में, तो आप घंटे वाली सुई से आइडिया लगाएगा, एक बार उसके पीछे और एक बार उसके आगे, 7 से 8 पूछा है तो 7 बजाने और फिर आइडिया लगाएं, तो 7 बजे के एक बार तो बनेगा 7:20, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां से 7 से आइडिया लगाएं कि कहां से 90 पूरा हो जाएगा, क्योंकि घड़ी के ये खाने होते हैं वो 30-30 डिग्री के होते हैं। तो चलिए दो समय हो गए, अब
क्विक आप इसे 20 में 11 का भाग लगाएंगे और यहां 50 में 11 का भाग लगा के जोड़ देंगे। दोनों में से कौन सा है वो आप देख लेंगे। देखिए 8 बजकर तो होगा ही नहीं, 8 बजकर को तो छोड़ ही देते आप। 7 बजकर 54 यानी कि इसके करीब है, तो आप देख लीजिए इसमें 11 का भाग लगा दीजिए, 4 बार गया तो बिल्कुल ये 7 बजकर 54 सही, 6/11 ये हो जाता, तो इसका उत्तर आपका ए ऑप्शन सही होता। बेहद आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में यदि ये भी होता, इसका 11 का भाग देते एक बार जाता तो 7 बजकर 21 मिनट पर भी होगा एक, 9/11 7 बजकर 21 सही, 9/11 पे भी होगा, दो उत्तर होंगे इसके, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक ही दिया है तो एक को पिक कर लेते। सोचेंगे दोनों दोनों में से कौन सा दिया है वो ढूंढेंगे। समकोण दो बार बनता है, निकालने का तरीका वही है, लगभग समय अज्यूम कीजिए, लगभग समय की मिनट के अंदर आप 11 का भाग लगा दीजिए, बहुत आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, 5:30 से 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, समकोण बनाने वाली बात आपसे पूछ रही थी, पूछी गई थी परीक्षा में। तो यहां पर समकोण 5 से 5:30 से 6:30 बजे तक, तो अब देखिए मैं पहले तो 5 से ही आइडिया लगा था, 5 से 6 बजे के बीच दो बार बनेगा, तो ये मैंने 5 बजाए, समकोण का मैंने आइडिया यहां से लगाया होता तो समकोण यहां से कब बनेगा, 5 से समकोण बनेगा एक तो इधर 30 30 30 90 यहां से समकोण बनेगा, एक तो एक इधर समकोण बनेगा यहां से 30 30 30 के तीन खानों पे समकोण, तो 5 बजे से एक इधर समकोण बनेगा एक इधर समकोण बनेगा, दो लगभग टाइम होंगे, दोनों टाइमों को आप पता, कभी 5:30 से 5:15 से कहीं पे 5:40 से कभी भी आ जाए, लेकिन आप 5 से ही आइडिया लगाएंगे, 5 से ही खोजेंगे, 6 के आगे होता तो 6 के आगे भी खोजते, दोनों को खोजते, अभी 5 से आगे खोजे हैं, दो टाइम आएंगे, एक तो आएगा 5 बजकर ये होगा 10 मिनट के करीब, एक आएगा 5 बजकर ये होगा 40 मिनट, तो 5:40 और 5:10 दो समय होंगे। यहां फिर इसको सही करने का तरीका बताया, 10/11 यहां 40/11 ये समय तो 5:30 से पहले ही रह गया, 5:30 से आगे बताना है तो पहले वाले को तो छोड़ देते, ये तो आपको लेना ही नहीं था, समझ गए होंगे 5 से ही आइडिया लगाना था, अब आपको 40 में 11 का भाग लगा देना था, 40 में 11 का भाग लगाता 11 3 33 तीन बार जाता तो ये 40 होता वो 43 हो जाता, और 33 में से यहाँ 7 रिमाइंडर बचता, 7 शेषफल, तो 43 सही, 7/11 ये सी ऑप्शन में लिखा था। बेहद आसान है, कभी भी कैसे भी क्वेश्चंस को पलट पलट के आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में और इन्हें आप आज से बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। पार्ट फर्स्ट में आपने कोण जाने थे, वो कोणों वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यदि आप मिला के लगा लेते हैं तो इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वहां पर आपको घड़ी के कोणों वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएंगी। बहुत बेसिक से आपको मैंने इन सब को समझाया है, अब आगे और जो क्वेश्चन बनते हैं इससे वो पढ़ने वाले हैं, घड़ी से छोटे छोटे क्वेश्चन, दर्पण समय से रिलेटेड, जल समय से रिलेटेड, या और छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक्स वाले होते हैं वो और आगे पढ़ने वाले हैं हम सब। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो एलडीसी में आपसे पूछा गया था, कौन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास नजर आ रहा है 7:00 नजर आ रहा होगा आपको, 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच रेडियन में कोण कितना होगा, रेडियन में पूछा था। देखिए ऑप्शन कई बार ऐसे दे देता है एग्जाम वाला, एलडीसी के अंदर 19 अगस्त वाले पेपर में आया था, तो एग्जाम में कई बार वो आपको ऐसे रेडियन के डाटा दिखाता है, तो कुछ बच्चों को रेडियन के डाटा नहीं आते हैं। रेडियन का मान मैंने बताया था कि ये जो पाई होती है वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होती है, पाई रेडियन में होता है मान कोण का, तो पाई रेडियन डिग्री में होती है 180 के इक्वल। यदि आपको यहां कोई दिक्कत भी आ रही थी तो पाई को 180 लगा लेते आप, तो पाई को मैं 180 लगाता तो पाई 180 यहां पर लिख लेता मैं, तो 7 × 180/9 था, तो ये इसे 20 बार काटता, ये 140 डिग्री था,
यहां मैं 180 को लगाता, पाई की जगह 180 लगाता तो 9 इससे काट जाता, 20 बार 9 काट देता, इसे 20 पंजे 100 डिग्री था ये। ऐसे ऑप्शनों को देखते कि कहां पर आपके डिग्री वाला मान है। कोण ज्ञात करने मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था, अभी भी सीख सकते हैं आप। कोई भी आपको टाइम दे कि इन दोनों के बीच में इस समय मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में क्या टाइम होगा, तो एक तो मैंने सोचना बताया था आपको कि आप एक तो ऐसा सोच सकते थे कि जैसे कोई भी घड़ी बनाई यहां पर, यहां एक घड़ी बनाई, ये घड़ी बना दी 7:20 पे पूछा था, तो ये सात सात ऐसे बसते हैं घड़ी में, लेकिन उसने 7:20 पे पूछा था, 7:20 का कोण देखना बताया था कि आप घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों की स्थिति नोट करें। मिनट वाली सुई तो यहां पर होती और घंटे वाली सुई 7 से कुछ थोड़ी आगे होती, तो यहां से कोण का आइडिया लगा था मैं 30-30 डिग्री का, ऐसे मैंने सिखाया था 30-30 डिग्री। अब ये घंटे वाली सुई 7:20 पर कितनी आगे चली जाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे चली जाती है, तो 20 मिनट में इसको हमेशा आधे से गुणा कर दें, 10 डिग्री वो आगे चली गई होगी, तो ये टोटल कोण बनता वो 100 डिग्री का बनता। एक तो ये तरीका बताया था कि ऐसा समझ से आप सीखें उसे, पार्ट फर्स्ट में आपने सीखा, तो 100 डिग्री यहाँ पर डी ऑप्शन में था। तो रेडियन वाली चीज़ें होती हैं वहाँ आप पाई की जगह 100 डिग्री लगाकर 180 डिग्री लगाकर उसे सोल्व कर देंगे, पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, तो ऑप्शन में 180 लगा के चेक कर लेते 100 डिग्री कहाँ था, तो डी ऑप्शन में 100 डिग्री आपके पास था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे आपको इसका डायरेक्ट सूत्र भी मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट एक सूत्र बताया था कि आवर को तो आप 30 से गुणा कर लें और मिनट को आप 11/2 से गुणा कर लें और इनका डिफरेंस बता दें वो डिग्री में कौन होगा, तो 7:20 था, 7:20 के अंदर जो 20 था उसको तो आप गुणा कर लेते 30 से, तो ये तो 30 से गुणा होता और इसे गुणा कर लेते 11/2 से, 30 से गुणा करता 7 3 21 210 बनता, ये 2 इसे 10 बार काटता और 11 धावे 110 बनता, इनका डिफरेंस ज्ञात करते 100 डिग्री होता। दोनों चीज सिखाई हुई हैं, मिनट को 11/2 से गुणा करें, आवर को 30 से गुणा करें, बड़े में से छोटा घटा लें वो डिफरेंस आएगा, वो कोण ही आएगा। तो यहाँ देखना है आपको 100 डिग्री का, दूसरे साइड से कोण बनाने बताए थे, तो यहाँ 100 डिग्री ऑप्शन में आपके पास पड़ा था, डी ऑप्शन में लगा सकते थे। बेहद आसान क्वेश्चन थे ये, कोणों के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। धन्यवाद।